क्या कर रहा हूँ, इसके पहले क्या हुआ है, उसका कहाँ ग्राफ गया है, फिर अगले सीन में क्या होने वाला है। जब आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो मेरा संबंध किस कैरेक्टर्स के साथ क्या है, किस सीन में, किस सीन में, राइट, वो एडवांस में पता हो जाए तो मजा आता है। दिनेश जी के साथ भी काम करता हूँ, पवन जी के साथ काम करता हूँ, चिंटू खेसारी जी, सब लोग के साथ काम करता हूँ, तो उनके साथ भी मैं पहले रिहर्स करता हूँ। ओके, जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशन पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com, मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर। जब एक कलाकार काम करता है तो एक नया प्रोजेक्ट आता है, और जैसे ही नया प्रोजेक्ट आता है उसको नए किरदार में ढल जाना होता है, लेकिन ये कैसे होता है ये बता सकते हैं बेहतर तरीके से एक ऐसे कलाकार जो लगातार अलग अलग रोल कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रकाश जैस, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एक बार फिर। ओके, पिछली बार हम मिले थे बगल वाली जान मेरे में जब आप काम कर रहे थे, और वो भी बड़ा हिट सीरियल था। अभी हम मिले फिल्म के सेट पे, ये क्या फिल्म है और इसमें क्या रोल है आपका? फिल्म का नाम है 5 मेहरिया, यानी 5 दुल्हनों पे आधारित है, और एक ही आदमी की 5 पत्नी आ जाए लाइफ में तो क्या हो सकता है, वो है ये फिल्म। तो मतलब क्यूरियोसिटी ऑडियंस की होगी, 5 आती हैं तो कैसा होता है, और पता चलेगा 5 आती हैं तो ऐसा होता है। पांचों की अलग अलग क्वालिटी है। और आपका रोल क्या है इसमें? मैं उसी घर में घर जमाई हूँ। घर जमाई है, गजब। ये जो आपका हर बार किरदार होता है, ये जब चेंज होता है और कहीं ना कहीं कॉमिक फ्लेवर आपको लो, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आप कैसे अलग करते हैं उसको? जो स्क्रिप्ट हमारे पास आती है उसको पढ़ता हूँ तो एक अलग लोकेशन पे लेके चला जाता हूँ खुद को, और उसके कलर्स को ध्यान में रखते हुए, उसके डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो स्क्रिप्ट पढ़ने के दौरान ही कलर्स मिलने लगता है। ओके, इसका शेड ये होगा, ये ऐसा है, वे वैसा है, तो जो कैरेक्टराइजेशन जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है उसी को फॉलो कर देना ही मैं अलग मतलब फील करता हूँ। ओके, स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तो वो अलग कैरेक्टर हो ही जाता है। ओके, ग्रेट, ये बहुत ही छुपी हुई बात बताई है प्रकाश आपने, क्योंकि नॉर्मली हम ये सुनते हैं मैं इसके लिए ये रिसर्च करता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन आपने बहुत बारीक बात कही, क्योंकि वो किरदार ही अलग लिखा गया होगा, हाँ, अलग ही कंसीव किया गया होगा, बस आप उसमें आ गए तो अलग अपने आप हो जाएगा। हाँ, जैसे इस फिल्म में मैं घर जमाई का रोल कर रहा हूँ, हाँ, तो घर जमाई का रोल और भी फिल्मों में करूँगा, राइट, तो यहाँ 5 दुल्हन है, हाँ, तो मैं घर जमाई हूँ, हाँ, कई घर में एक ही दुल्हन है और 2 बहुएं हैं, और करेक्टराइजेशन भी अलग होगा, और वहाँ मैं घर जमाई हूँ, हाँ, ये पैसे वाले हैं, हाँ, वो और पैसे वाले होंगे, राइट, यहाँ पे मैं मक्कार टाइप हूँ, हाँ, वहाँ पे कुछ पढ़ा लिखा भी हो सकता है, हम्म, तो अलग अलग शेड्स तो स्क्रिप्ट में ही छिपा हुआ है। ओके, ग्रेट, तो उसी को फॉलो करता हूँ। तो आपको लगता है एज एन एक्टर, अगर हम जो राइटर का पर्सपेक्टिव है, जिसने कंसीव किया, जिसने वो किरदार को पैदा किया, उसको जितना इन डीपली जान जाएंगे, हमारी एक्टिंग में उतना निखार आ जाएगा? बिल्कुल, जो स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, सिनेमा की शुरुआत वहीं से हो जाती है, राइट, कंसीव भी करते हैं सिनेमा वहीं से, कि ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा कैरेक्टर, तो जैसे ही वो स्क्रिप्ट मेरे सामने आती है, और एक अच्छी बात ये है कि मेरी आदत है, मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, पूरी पूरी, सिर्फ अपना रोल नहीं, नहीं, वो ज़रूरी हो जाता है, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके पहले क्या हुआ है, उसका कहाँ ग्राफ गया है, फिर अगले सीन में क्या होने वाला है। Okay. जब आप पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं तो मेरा संबंध किस कैरेक्टर्स के साथ क्या है, किस सीन में, किस सीन में, राइट, वो एडवांस में पता हो जाए तो मजा आता है। राइट, और राइट, कई लोग पूरी तरह से स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, सिर्फ अपना रोल पढ़ते हैं, अलग अलग क्वालिटी है। राइट, राइट, प्रकाश जी से जब भी मैं एक्टिंग के क्राफ्ट के बारे में बात करता हूँ बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये बड़ी इनडेप्थ नॉलेज देते हैं। पिछला इंटरव्यू हमने लिया था, उसको भी ज़रूर देखिएगा, मैंने थंबनेल शेयर कर रहा हूँ लिंक में, और डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी दे रहा हूँ। प्रकाश जी, जब हम सिनेमा करते हैं, भोजपुरी सिनेमा का आपने पूरा बदलता हुआ दौर देखा है। जी जी, जब हम फिल्म कर रहे थे तब भी आप अच्छे खासे इस्टेब्लिश एक्टर थे, लेकिन तब अलग तरह की फिल्में बन रही थी, फिर थोड़ा सा और चेंज हो गया, और अब जब से सैटेलाइट और डिजिटल थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, फिर से देख रहे हैं कि फ्लेवर चेंज हो रहा है, ये बदलता दौर अच्छा है? एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। फैमिली फिल्म बनाने लगे हैं लोग, क्योंकि सैटेलाइट पे फिल्में अब आएंगी,
आएंगी और वहाँ से रिकवरी ज़्यादा है। हाँ, तो फैमिली फिल्म बनाने के लिए भी एक बजट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्या, एक सीमित बजट में ज़्यादा काम हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्वालिटी तो नहीं दे पाएंगे ज़्यादा। राइट, अच्छा होता कि हम जो सब्जेक्ट लेकर आते हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से बजट बनना चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है। Okay. पहले बजट तय हो रहा है, फिर स्क्रिप्ट तय हो रही है। ओके ओके, तो इसमें थोड़ा सा नुकसान है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी सरवाइव करके दिखाएं, क्योंकि दो तरह का सिनेमा का निर्माण हो रहा है। एक वो जो थिएटर हॉल तक जाएगी और एक वो जो सिर्फ सैटेलाइट या यूट्यूब तक जाएगी। राइट, मतलब एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है भोजपुरी सिनेमा। अच्छी बात इसलिए है कि अब फैमिली फिल्म कुछ जगह में बनने लगी है, तो एक फ्लेवर तो बदलेगा, लेकिन क्वालिटी उसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, और बहुत जल्दी कोई फिल्म में सक्सेस होगी बीच में तो वो ट्रेंड सेट कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। इस फिल्म में जो किशन है, अभी अभी नए नए कलाकार हैं, उनकी दो ही फिल्में आई, उससे पहले छोटे छोटे रोल किए। जब एक ऐसा मेन लीड में नया चेहरा आपके सामने आता है, नया एक्टर सामने आता है और स्क्रीन शेयर करता है, तब आपका क्या एक उसको समझाइश होती है, कॉपरेशन होता है कि वो कंफर्टेबल भी फील करे और आपके साथ बहुत अच्छे से एक्ट भी करे? देखिए, वो किशन अभी नया है और पुराने लोग के साथ भी मैं काम करता हूँ, तो सबसे बढ़िया उसका उपाय है अच्छा काम करने के लिए, रिहर्सल कर लीजिए उनके साथ। उनके साथ, ओके। जब आप रिहर्सल करके सीन करने जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि वो नया है कि पुराना है, वो अपने नोट पे 100% होगा। ओके, तो जब दिनेश जी के साथ भी काम करता हूँ, पवन जी के साथ काम करता हूँ, चिंटू खेसारी जी, सब लोग के साथ काम करता हूँ, तो उनके साथ भी मैं पहले रिहर्स करता हूँ। ओके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो नया व्यक्ति हमसे इसलिए और खुश हो जाता है कि रिहर्सल करके इजी कर दिया चीज़ों को, और जहाँ जहाँ चीज़ें बिगड़ रही होती है वहाँ मैं वहीं पर ठीक कर लेता हूँ, ताकि कैमरे पे जाने के बाद वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। ओके, तो इसका फायदा मिलता है कि मैं बिना रिहर्सल के मैं चला जाता हूँ, वो हीरोइन के साथ भी सीन हो या विलन के साथ सीन हो या किसी के साथ सीन हो, खुद ही अप्रोच कर लेते हैं कि मैं चलो। उसके कमरे तक चला जाता हूँ। ओके, भाई मुझे ये सीन करना है आपके साथ, एक बार करते हैं, देखते हैं क्या मूड है। जैसे ही आप रिहर्स करके जाते हैं सिनेमा करने या सीन करने, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। सडनली आप वहाँ जाएंगे और स्क्रिप्ट देखेंगे, सिर्फ अपना देख पाएंगे, पांच और हैं, तो पांचों का मूड अगर आप पहले से देख लिए होते हैं तो वो सीन का मतलब कि लुक ग्राफी बदल जाता है, बदल जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू एमन प्रकाश सर। ये थे प्रकाश जैस, इनके पास जितनी भी बातें हैं और इनके साथ जितनी बार भी मैं बात करता हूँ मज़ा आ जाता है, बहुत अच्छी बातें लगती हैं। अनुमन, जब दूसरी बार इंटरव्यू करो तो कुछ नई बातें सामने निकल कर नहीं आ पाती हैं, लेकिन आज के वीडियो में भी बहुत सारी नई बातें सामने निकल कर आई। इतने सालों से काम कर रहे हैं, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, उसके बाद भी शिद्दत, पैशन एक्चुअली वही है कि आज भी पहले रिहर्सल करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद ही एक्ट करते हैं, इसलिए आप सालों साल से प्रकाश को इतना पसंद कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।